मेरा नाम डॉक्टर महमूद माजर है. आई डिड माय एफआरसीएस फ्रॉम एडिनबरा यूके. स्पेशलिटी इज जनरल सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड आई डू यूरोलॉजी एज वेल. जी मेरा नाम डॉक्टर फैसल तसलीम है. मैंने फेलोशिप की थी आयरलैंड से डबलिन से 2003 में और मेरी स्पेशलिटी एंडो यूरोलॉजी है. प्रोस्टेट एक्चुअली इज वन ऑफ द ऑर्गन्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि एज के साथ ग्रो करता है. यूजुअली अबव 50 उसके सिम्टम्स मरीज में आना शुरू हो जाते हैं. मोस्टली ये होता है कि उसको यूरिनेशन में प्रॉब्लम है कि बार बार उसको वॉशरूम जाना पड़ता है. उसका फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है. रात को नींद डिस्टर्ब है. ट्रीटमेंट ऑप्शंस मेडिकल भी हैं सर्जिकल भी हैं लेकिन डेफिनेट जो इसका ट्रीटमेंट है दैट इज़ द सर्जिकल ऑप्शन कि आप प्रोस्टेट को रिमूव कर देती हैं वंस फॉर एवर ताकि पेशेंट क्योर हो. लेटेस्ट जो है वो लेज़र जा रही है. लेज़र भी कई किस्म की है और आजकल जो लेटेस्ट जा रही है दैट इज़ होल्मियम लेज़र. जो होल्मियम लेज़र है इट्स अ वेरी हाई पावर लेज़र. उससे आप इवन जो बड़े प्रोस्टेट हैं जो आमतौर पर वो कहते थे कि लिमिट इज 50 ग्राम्स इसमें आप यू कैन गो द साइज इज नो लिमिटेशन. तो इसमें यू कैन गो फॉर प्रोस्टेट्स विच आर अबव 100 ग्राम इवन. और एक स्पेशल मशीन है जिसको मॉर्सलेटर कहते हैं. वो उसको मॉर्सलेट करके या उसके छोटे टुकड़े करके पूरे प्रोस्टेट को ब्लैडर में से एक्सट्रैक्ट कर देता है या निकाल देता है. मरीज का पेट काट के और फिर अंदर से ब्लैडर को निकाला जाता था. लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि दैट वाज ओपन सर्जरी. मरीज का हॉस्पिटल स्टे ज़्यादा है. उसमें बोन इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं. उसमें मरीज को कैथेटराइज एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स हम रखते हैं. हॉस्पिटल स्टे और उसकी कॉस्ट कुछ बढ़ जाती है. तो अब भी लोग उसको करते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोस्टेट. यूरोलॉजिस्ट जब ट्रेंड हो गया है तो दे स्टार्टेड डूइंग एंडोस्कोपिक प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट. इसको आम दुबार में TURP कहते हैं. जो नई चीज़ लेटेस्ट अब अवेलेबल है वो लेज़र है. इसके साथ हम प्रोस्टेट को इनिक्लिएट कर सकते हैं. पूरा का पूरा लोब आप निकाल लेते हैं. उसको ब्लैडर में पुश कर देते हैं और फिर उसको छोटे पीसेस में डिजॉल्व करके बाहर निकाल लेते हैं. इसमें सिर्फ एक लिमिटिंग फैक्टर है कि लेज़र जो है क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है इसलिए ये अभी आम नहीं है अवेलेबल पाकिस्तान में. लेज़र की वजह से सेक्सुअल लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं हो सकता है? ये उन सेंटर्स में जहाँ पे अब लेज़र इस्टेब्लिश हो चुका है इसको डे केयर सर्जरी में कहा जाता है कि पेशेंट जो है वो सुबह आता है और शाम को घर चला जाता है. इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि हॉस्पिटल स्टे बहुत कम हो जाता है जिससे पेशेंट के एक्सपेंसेस और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाते हैं.